पूंडरी में आज पूंडरी के विधायक एवं चेयरमैन पशुपालन विभाग रणधीर सिंह गौरन पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने बताया कि पूंडरी के लोगों की चिर परिचित मांग है कि पूंडरी में सब डिवीजन व अनाज मंडी और हुड्डा के बीच की सड़क जो कि पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है, उसे बनाने के लिए टेंडर जारी करवाया जाए। उन्होंने बताया कि 25 गांव में सड़कों पर स्ट्रीट लाइट लगवाई जाएगी, जिससे कि गांव को पूरी तरह से जगमगा दिया जाएगा। पूंडरी से रणधीर सिंह की रिपोर्ट। काफी विकास कार्यों की बात कर रहे थे आप, तो क्या क्या विकास कार्य? जहां तक पूंडरी के विकास कार्यों की बात है, पूंडरी विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से देखो सभी भागों में कार्य चल रहे हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे एक बड़ी लंबी मांग मेरे शहर वासियों की थी, जो हुड्डा के बीच और मंडी के बीच की सड़क है, उन दोनों सड़कों का टेंडर हो चुका है और 8-10 दिन में उनका काम कराने का शुरू काम करेंगे। इसी प्रकार से गांव के अंदर पानी की निकासी की बड़ी दिक्कत है और उसके हमने लगभग 6-7 गाँव के टेंडर करा दिए, जैसे फरल गाँव का, डांड गाँव का, बनावे का, कोल का, आबड़ी का, पाई, कोडा, बक्कड़, बुच्ची, इन गांवों के टेंडर हो चुके हैं और आने वाले 2-3 महीने के अंदर जैसे ही फसल कट जाएगी उनका पानी निकाल के खदवाने का काम करेंगे, ताकि इन गांवों में पानी की निकासी की एक चीज परिचित मांग थी हमेशा से रही है कि यहां सब डिवीजन बनाया जाए, उसके बारे में क्या कहना? जहाँ तक कुंडरी को सब डिवीजन बनाने की मांग है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने निवेदन किया है और भगवान ने चाहा इस बार कुंडरी को सब डिवीजन बनाने का इस बजट के अंदर प्रावधान रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री से भी मांग की है और उसकी रिपोर्ट भी डी साहब ने बनाकर भेज दी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि कुंडरी को सब डिवीजन का दर्जा मिलेगा, जो कि लोगों की बड़ी पुरानी मांग है, उसको पूरा करने का माननीय मुख्यमंत्री जी काम करेंगे।